नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, बात करें जम्मू स्मार्ट सिटी की तो चार चांद लगने जा रहे हैं। और आपको बता दें, इस ब्रिज के ऊपर आप देख सकते हैं ये छोटे पोल जो थे वो लगाए गए थे, और फिलहाल इस पोल्स के ऊपर लाइट जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। और ये यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत जो है वहाँ से लेकर जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वहाँ जैसे ही रोड जो फ्लाईओवर है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर पूरा जितना आगे तक फिलहाल जो पोल जो है वो लगाए गए हैं, और इन सब के ऊपर जो है लाइट जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। और कहीं ना कहीं सच न्यूज़ नेटवर्क की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर और जम्मू कश्मीर को और बेहतर और खूबसूरत और ज़्यादा डेवलप्ड करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुंचाया जाए। और फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर फिलहाल पोल्स के ऊपर लाइट्स जो है वो इंस्टॉल की जा रही हैं। साफ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इतनी धूप है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वर्कर्स जो हैं वो लगे हुए हैं और लाइट्स को जो है वो इंस्टॉल्स कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की जाएंगी। जी ब्रदर, आपका नाम? रवि सिंह सर। कहाँ से लेकर कहाँ तक ये लाइट्स जो है वो लगा रहे हो आप? जी सर, उधर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हाँ जी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जी जी। कितनी लाइटें लगने वाली है टोटल? अभी तो फिलहाल 100-150 ही है। 100-150 हाँ, और भी लगेंगे अभी। ये जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत ही है? जी जी। तो ये कब तक ऑन ऑफ का क्या रहता है इसका? क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं खम्भों के ऊपर लाइटें लगी होती हैं, लेकिन उसका ऑन ऑफ का वो कुछ वो नहीं रहता है। वो 24 घंटे चाहे दिन हो तब भी चलती रहती है, रात हो तो रात में तो चाहिए चल रही है कोई बात नहीं, लेकिन दिन में भी वो ऑन ही रहती है। तो इसका ऑन ऑफ का कुछ रहेगा? ऑन ऑफ का रखेंगे एक साइड पे स्विच। पूरा सिस्टम लाइक सब एक ही कंट्रोल पे होगा या एक एक लाइट को पर्टिकुलरली ऑन ऑफ करना रहेगा? एक एक नहीं, मतलब जैसे 10-10, 20-20। ओके हाँ। तो ये ऑन ऑफ के लिए कौन, कोई सेपरेट पर्सन रखा जाएगा पर्टिकुलर जो ऑन ऑफ करेगा, जहाँ आम लोग जो आने जाने वाले वो ये करेंगे? नहीं, सेपरेट ही होगा कोई बंदा रखा जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ से रखा जाएगा या कैसे रहेगा? उनकी तरफ से होगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे लाइट्स जो है वो इंस्टॉल की जा रही है, और कहीं ना कहीं चाहिए भी, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़े पोल्स लगे हैं इनके ऊपर लाइटें लगी हैं, लेकिन फिलहाल कुछ पोल्स के ऊपर कुछ लाइटें जो है वो नहीं चलती, लेकिन कुछ लाइटें अगर बात करें वो चलती हैं। और उसी के चलते आप देखिए ये नए पोल जो है फिलहाल लगाए गए हैं और इनके ऊपर लाइट जो है वो भी अभी लग रही है। आप देखिए यह जो यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल्स कर रहे हैं लाइटें, और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। और जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो लगातार एक्सीडेंट जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर कोई भी पोर्टल आप देखेंगे तो लगातार एक्सीडेंट होते हैं। नाइट के हम बात करें तो उसके अंदर लाइट्स जो है वो खंभों पे नहीं लगी होती, जिसके चलते एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन फिलहाल इन लाइटों के लगने के द्वारा एक्सीडेंट भी कम होंगे और लोगों को भी कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी। और बहुत बार अगी जैसे हमारे साथ ब्रदर से उनसे हमने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि ये लाइट्स का जो ऑन ऑफ का सिस्टम है वो भी रखा जाएगा, और सेपरेट एक जो है मैन पावर रखी जाएगी जो इसको ऑन भी करेगी और ऑफ भी करेगी। क्योंकि हमने बहुत सारे रोड्स पे देखे हैं, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट लगी हैं, रात को तो लाइट्स की ज़रूरत है और उस समय ऑन भी रहती है, लेकिन बात करें दिन को जिस समय ज़्यादा गर्मी होती है उस समय भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइट्स जो है वो ऑन रहती है। हालांकि घरों में लाइट नहीं रहती है, लेकिन खंभों के ऊपर जो है वो लाइटें ऑन रहती है, जिससे चलते बिजली भी कहीं ना कहीं बिजली की खपत होती है। और इसे अगर जैसी ये लाइटें इंस्टॉल की जा रही है, अगर वैसा ही सिस्टम दूसरी स्ट्रीट लाइट्स पे होगा तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक सिस्टम जो है रहेगा। लेकिन फिलहाल जम्मू स्मार्ट सिटी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक और अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है, तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी को और इसके साथ साथ डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी को, जिनका इनिशिएटिव है जिसके चलते जम्मू स्मार्ट सिटी जो है और ज़्यादा बेहतर हो रही है। आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।